हेलो फ्रेंड्स, आपका फेवरेट चैनल टॉप 10 इंडिया एक बार फिर लेके आया है आपके सामने अपना नया वीडियो। YouTube के बारे में तो आप में से किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। 2005 में इसके लॉन्च के साथ ही ये बहुत पॉपुलर रहा है। इसे 3 फॉर्मल PayPal एम्प्लॉयज ने लॉन्च किया था और Google द्वारा 2006 में खरीदने के बाद इसने फिर मुड़ के नहीं देखा। ये एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना फुल एंटरटेनमेंट पा सकते हैं। यही नहीं, इसे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। हम इंडियंस में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। बोरियत के खिलाफ ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज स्नॉकलेस आपके सामने ला रहा है टॉप 10 यूट्यूबर्स इन इंडिया। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाए। संदीप एक बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस और गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वो एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपना कैरियर फोटोग्राफी से शुरू किया था साल 2000 में। 7 साल बाद उन्होंने अपने कैमरा को बेच दिया और एक मार्केटिंग फर्म को ज्वाइन कर लिया। मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए उनका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये है कि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी भी खोली थी जिसे उन्हें बंद करना पड़ा। उनके पास फोटोग्राफी के लिए कई अवार्ड्स और कीर्तिमान हैं, यहाँ तक कि वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी होल्डर हैं फोटोग्राफी में। किसी भी मिडिल क्लास लड़के की तरह संदीप को भी अपने फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था, मगर अपने मेहनत और डिटर्मिनेशन से इन्होंने सक्सेस को पा लिया। सक्सेस पाने के बाद इन्होंने देश के यूथ के साथ में अपना मंत्र शेयर किया। पूरे कंट्री में ये अपना सेमिनार आयोजित करते हैं जिन्हें हजारों की तादाद में लोग अटेंड करते हैं। यूट्यूब में इनके सेमिनार्स ने कई लोगों की मदद की है। संदीप imagebazaar.com के CEO है और इंडियन यूट्यूबर्स के बीच में जाने मानी हस्ती हैं। गौरव चौधरी उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने स्मार्टफोन और गैजेट्स का यूट्यूब पे रिव्यू करके ही मिलियंस कमा लिया है। गौरव फोर्ब्स इंडिया के 30 अंडर 30 लिस्ट में भी आ चुके हैं। इनके अभी 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इनके चैनल पे मोबाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाता है। गौरव जब अपना चैनल शुरू किए थे तो इनकी कंटेंट का जेनर बहुत ही अनकॉमन था। प्लस इनका एक प्लस पॉइंट था कि अपना वीडियोस हिंदी में बनाते थे, इसीलिए ये कई इंडियंस के साथ में जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं है जुड़ पाते थे। गौरव चौधरी से इंस्पिरेशन लेके आज कई यूट्यूबर्स अपने खुद का चैनल खोले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यूज के लिए। भुवन बाम ऑडियंस के बीच में पॉपुलर होने वाले पहले यूट्यूबर थे। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। इन्होंने न्यू दिल्ली के बाज में ऐसा सिंगर अपना कैरियर शुरू किया हुआ था और धीरे धीरे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और ओरिजिनल कंटेंट के चलते इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर बन गए। इनका कंटेंट काफ़ी यूनिक और रिलेटेबल है। इनके वीडियोज़ की एक खास बात है कि अकेले ही कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं और हर एक कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है। क्योंकि इनकी वीडियोस में काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का यूज़ होता है, इसलिए इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, मगर हमेशा इनके सपोर्टर्स इनके साथ में खड़े रहते हैं। बीबी की वाइंस को मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल का अवार्ड भी मिल चुका है। 2019 में भुवन को ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। भुवन बाम ये प्रूव करते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बड़े नाम की जरूरत नहीं। आशीष चंचलानी इंडिया के सबसे फनी यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कॉमेडी वाइंस बनाते हैं। शुरुआत में आशीष मूवी रिव्यूज करते थे, पर इवेंचुअली कॉमिक वाइंस बनाने लगे। इनके वीडियोस यंगस्टर्स की डेली स्ट्रगल, स्टडीज और फैमिली डायनामिक्स को बहुत ही फनी तरह से प्रेजेंट करते हैं। इनका कॉमिक टाइमिंग, रिलेटेबल कंटेंट और पैरोडी ने इनके वीडियोस को बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया है। आशीष कंसिस्टेंटली यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। इनके सब वीडियोस
बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से शूट होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनके घर पे कोई बिना बोले इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब इनका वीडियो हाउ टू अनॉय पीपल हु से तू मेरे बाप को नहीं जानता वायरल हो गया, तब से ये बहुत फेमस हो गए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि ये क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में भी कैमियो कर चुके हैं। ये ऑल्ट बालाजी की सीरीज क्लास ऑफ 2017 में भी फीचर करते हैं। अमित भडाना 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले पहले यूट्यूबर हैं। ये एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं जो कई बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ में कंटेंट बना चुके हैं। इनके वीडियोस एवरीडे लाइफ पे आधारित होते हैं और यूजुअली कॉमेडी स्केचेस के फॉर्मेट में शूट किया जाता है। अमित भडाना एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अपने पेरेंट्स को बिना बताए इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। बहुत पॉपुलर होने के बाद ही ये अपने यूट्यूब चैनल के बारे में अपने पेरेंट्स को बताए। अमित अपने वीडियो का स्क्रिप्ट ना सिर्फ खुद ही लिखते हैं बल्कि डायरेक्ट और एडिट भी खुद करते हैं। इनके वीडियोस बहुत ही रिलेटेबल होते हैं और लोअर और मिडिल क्लास लोगों के लाइफ के ऊपर आधारित होते हैं। इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब वीडियो है टाइप्स ऑफ पीपल इन अ बस। इस वीडियो में ये ऑडियंस को अपने साथ एक बस जर्नी पे लेके जाते हैं और कैसे कैसे लोग उस जर्नी में उनके साथ मिलते हैं और किस तरह की इंटरेक्शंस होती है ये उसी को दिखाते हैं। अमित को रिसेंटली मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी मिला। अजय नागर का चैनल कैरी मीनाती के इस समय 24.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज क्रिंज कंटेंट का भराव आ गया है उसको ही अपने चैनल पे रोस्ट करते हैं। ये इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइबर यूट्यूबर बने जब इनका गाना यलगार वायरल हो गया, जिसमें इन्होंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने साइट की स्टोरी बताई। इनका चैनल हिंदी लैंग्वेज में है जिससे ये लार्जर इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इनका मानना है कि सक्सेस हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। इनका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ चुका है कि ये टॉम क्रूज और हेनरी कैविल का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर प्यूडीपाई के अगेंस्ट भी इन्होंने बाय प्यूडीपाई करके एक वीडियो बनाया, जब उन्होंने एक इंडियन का मजाक उड़ाया था अपने वीडियो पे जो टूटे फूटे इंग्लिश में बात कर रहे थे। अजय नागर का मानना है कि जब भी जरूरत पड़े इंडियंस को अपने देश के रेपुटेशन को बचाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो देख के आप बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने करियर बनाए हैं आप भी ऐसा कुछ अपने लिए कर सके। ये लोग आपके और हमारे तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा और अपने मेहनत और लगन से आज ये पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका फीडबैक और हमारे फ्यूचर वीडियोस के लिए आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर छोड़े। YouTube के थीम पे चलते हुए आज हम एक अपकमिंग और हैपनिंग वीडियो चैनल को फीचर कर रहे हैं। रश्मि वीडियो ब्लॉगिंग करती है और साथ ही साथ अपने चैनल में बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपीज भी लाती है। जिस तरीके से आप हमको सपोर्ट करते हैं हम चाहते हैं कि उसी तरीके का सपोर्ट आप रश्मि को भी करें उसके चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू।